2024 निर्वाचन को नहीं एक खबर हुए तो कहुपे भुवनेश्वर लड़े कि विजय भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी माने चर्चा बढ़ी निकटे कांग्रेस में सामिल होते विजय पटनायक परोक्ष इशारा देखते पीसीसी सभापति शरद पटनायक एथर कांग्रेस फोकस रे भुवनेश्वर रही बीजेडी बीजेपी कौन लड़े करुवा और कांग्रेस पछरे रोथ प्रश्न उठूना से कहते लड़े जोरसोर रही शरद पटनायक विजय पटनायक जड़े भल चेहरा से कांग्रेस में जोग देते केवल भुवनेश्वर नुह सारा ओडापी से भल चेहरा बोली कहते शरद पटनायक यार भितर भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी हे कि विजय पटनायक एने चर्चा बढ़ी भुवनेश्वर निर्वाचन लड़े कि विजय पटनायक एने चर्चा बढ़ी भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी होने वर्तमान चर्चा एथिपाई बढ़ी कारण परोक्ष इशारा देखते पीसीसी सभापति शरद पटनायक एवं विधायक सुर राउतराय विजय पटनायक को समान प्रस्ताव सका आलोचना समय रे देखिले वर्तमान सुधा से सब कौन जिन आलोचना कराए हाईकमांड सहित आलोचना अन्य जिनस आलोचना अन्य कथा मान राजनीति संगठन को मजबूत केमती कर विषय आलोचना है कमिटी गठन होगा जो मैंने फिल्ड में काम करेंगे जो मैंने प्रैक्टिकली लोक सहित मिसिक रे लोक दुख सुख सहित रेव निजे से लोक सांगे बुलिक निर्वाचन मंडल में कम करते प्रथम पर्याय देवे राहुल गांधी निजे इनक्लूडिंग भुवनेश्वर मुझ थ्रू आउट ओडिशा कथ कौन 147 निर्वाचन मंडल कथ कौन 21 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कथ कौन जो मैंने काम करेंगे से मैंने निश्चित भाव से अग्राधिकार दिजिव यहाँ राहुल गांधी कहते मुझे कथ जो कहते आप जनदे चाहे कौन से ना ना से सब जिन कौन वर्तमान सुधा आलोचना है क्या सहित आलायस हम कि कार सहित छाड़देवे कि कौन हम वर्तमान सुधा से पिक्चर क्लीयर है ना आग को कौन हम आलोचना हम कि न सब हाईकमाण सहित कथापुर मुझे जन पाए निश्चित भाव अच्छी ये कौन से दिज खाली लड़े करुव कांग्रेस पचर रही थो प्रश्न उठू ना कौन से जगार लड़े जोरसोर कर जोर तोर कर भुवनेश्वर को छाड़ दिजावन भुवनेश्वर हूँ हार्ट अफ दि स्टेट आम कौ हिसाब से रोबू चुप हो जनसाधारण पाखे घोर डोर टू डोर जो कैंपेन चलती चली मौसुमी महांति आम सहित फोनलाइन जुगे जोड़ मौसुमी जितेबाला सुर राउतराय को भेटी थे और सुर राउतराय विजय पटनायक को कही खोर्धा उपरे फोकस करने से आम ए बाबद ही आलोचना करसीसी सभापति ये परोक्ष इशारा भी समान दिगक जाए निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट आज जहाँ मिलू कि विजय पटनायक फोकस भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र ही रोचे जो चर्चा होता कि विजय पटनायक कौन राजनीतिक भविष्य नहीं निजर कांग्रेस में जोग देखने बड़ ऑप्शन थिला बीजेडी थिला बीजेपी थिला से कांग्रेस को कहीं आसुचार तो बर्तमान यही चर्चा उपर धीरे धीरे परदा हटुची और बर्तमान समय परोक्ष सूचना देखते पीसी सभापति शरद पटनायक कि आप जानते हैं कि 2019 निर्वाचन में कांग्रेस सीधा सह भुवनेश्वर लड़ी नाला भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र सीट कांग्रेस आलायंस करी सीपीआईएम को देला तेणु जदि आम राजधानी भुवनेश्वर कथा कहे ये आम राज्यर हृदय कह गले मानने हार्ट अफ दि स्टेट कह गले जो हार्ट अफ दि सिटी कह गले भुवनेश्वर ओडार तेणु यही भुवनेश्वर जदि कांग्रेस निजर दबदबा जाहिर न कर सारा ओडार केमती दबदबा जाहिर कर तेणु एथरक कांग्रेस निष्पत्ति नहीं कि भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र में निजस्व एक कैंडिडेट को एमपी भाव छिड़ा करने विजय पटनायक भली बड़ ऑप्शन भल ऑप्शन कांग्रेस पाखे न होता पे आप जानते पूर्व निर्वाचन में मैडम अपराजिता षडंगी चाकरी छाड़ी आसिले भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र निर्वाचन लड़िले और जीतिक आज सांसद होती और 2019 निर्वाचन आप देखिए प्रशासिका प्रशासक लड़े चलता आईपीएस बनाम आईएस लड़े चलता गोटे पटे बीजेडी अरूप पटनायक तो अंपटे विजेपी पक्षर अपराजिता षडंगी और शेषे अपराजिता षडंगी जीतिक आज सांसद होती तो से किसी प्लानिंग कांग्रेस जहाँफल विजय पटनायक आज सुरराउतराय को भेटी पृथ्वीवल्लभ पटनायक को भेटी भुवनेश्वर रोकवा कांग्रेस बड़ बड़ नेता भेटी समर्थन हासिल करने चेष्टा करोक्ष सूचना देखते शरद पटनायक से जमापड़ी कि एथरक कांग्रेस राजधानी लड़े करजेडी बीजेपी को फाइट दब ये जो
आईपीएस बनाम आईएएस लड़े चलता से कांग्रेस जन प्रशासक को लड़े मैदान में छिड़ा करने चाहिए से होती विजय पट्टनायक तेणु विजय पट्टनायक यही पाठ पढ़ी स्कूलिंग यही से कॉलेज बीजेपी कॉलेज रे पाठ पढ़ी यही पाठ पढ़ी से आईएएस होती प्रशासक होती चीफ सेक्रेटरी रही भुवनेश्वर मटिपा पवन से जड़ित अच्छा लोके बहुत चिन्ह अच्छा तेणु तो गोटे जोरदार लड़ाई आगो को आमे देखी पारू 2024 निर्वाचन रे बोली कहा जाई पारे मौसुमी विशेष भाव में भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र उपरे वर्तमान नजर रहिबा धन्यवाद आलोचना पाई।